नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। यह विमान केवड़िया से साबरमती तक जाएंगे। इसमें 30 मिनट का समय लगेगा। विमान 200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसे स्पाइस जेट की स्पाइस शटल सेवा चला रही है। इसके लिए विमान मालदीव से आया है। प्रधानमंत्री ने इस विमान से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली और जवानों को राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई। फिर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश वायरस से उभर भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल्स को संबोधित किया। उन्होंने नौकरशाहों से देश हित में फैसले लेने का अनुरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया। दरअसल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, वो आज वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने सीधे तौर पर फ्रांस में घटित हुई घटनाओं का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अपनी बातों से उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को निशाने पर जरूर लिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज के माहौल में दुनिया के सभी लोगों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव अभियान अपने जोरों पर है। इसी बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा यदि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और इसे भाजपा की एक शाखा बताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, बिना किसी सहारे के एक युवक जिसके परिवार के सदस्य जेल में हैं और सीबीआई और आईटी विभाग उसके पीछे हैं, बिहार जैसे राज्य में सभी को चुनौती दे रहा है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में पहले के मुकाबले कमी आई है, लेकिन अभी तक वायरस का खतरा टला नहीं है। दुनिया भर में वैज्ञानिक इस वायरस की काट ढूंढने के लिए वैक्सीन का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। एम्स अगले सप्ताह की शुरुआत में भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को संस्थान की आचार समिति के सामने पेश कर सकता है, ताकि अस्पताल में तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिल सके। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर भाजपा अभी से तैयारी करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा ने ममता के गढ़ बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया है, उसे देखते हुए पार्टी के हौसले बुलंद है। भाजपा जहां राज्य में सत्ता पाने की कोशिश करने में जुटेगी, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता को बचाने के लिए मैदान में होगी। इसे लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक मामलों का जायजा लेने के लिए 5 नवंबर से पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक सर्किट हाउस में पीएम मोदी के सलाहकार रहे नरेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें 1000 साल तक अक्षुण्ण रहने वाले राम मंदिर और उसकी भव्यता को लेकर करीब 3 घंटे तक मंथन किया गया। मिश्र ने अब तक हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही इंजीनियरिंग संस्थान समेत टाटा एंड एलएनटी के विशेषज्ञों के प्रेजेंटेशन देखकर आगे के कार्यों को लेकर रणनीति बनाई। कानपुर में अपने भाई के साथ मिलकर 3.5 लाख का गबन और 2.5 लाख की चोरी करने वाले आरोपी लगाते हुए 73 वर्षीय वृद्ध ने 71 वर्षीय पत्नी को तलाक के लिए लीगल नोटिस दिया है। यशोधनगर निवासी अशोक कुमार दीक्षित का विवाह 5 मई 1968 को सुषमा के साथ हुआ था। पीएनबी के पूर्व कर्मचारी अशोक ने अधिवक्ता प्रवीण फाइटर के माध्यम से पत्नी सुषमा को लीगल नोटिस भेजा है। यूपी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में विभिन्न पर्वों के आयोजन का समय है, ऐसे में जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश पर न जाएं। उन्होंने इनके अवकाश स्वीकृत न करने का निर्देश दिया है। राजस्थान का विधानसभा का सत्र शनिवार से शुरू हो गया है। इस दौरान राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधी कानून के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक को संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने पेश किया। इसके बाद शोकाभिव्यक्ति हुई और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार यानी महाराष्ट्र विकास अखाड़ी में बड़ी फूट नजर आ रही है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस शासित नगर निगमों को फंड नहीं देते हैं। मराठवाड़ा में भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए पूर्व सीएम अशोक चौहान परभणी पहुंचे थे। यहां पर कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये बातें कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।